मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि सभी माताएं बहनें जो भी हैं अपना घर परिवार अच्छे से चलाएं, अपना चरित्र अच्छे से, मतलब चरित्रहीन ना हो, और मतलब एक दूसरा उनको न कह के जा सके, वो खुद ही कहने लायक वो काम करें। देखते होंगे आए दिन समाज में तमाम तरह के ऐसे किस्से कहानियां आते रहते हैं, जिनमें से कि कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं, हैरान कर देती हैं। तो ठीक उसी तरह की आज एक कहानी के साथ हम पुनः आप लोगों के साथ उपस्थित हैं। आ गई तो हमारी पत्नी है, हम उसको अस्वीकार करेंगे? अस्वीकार करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार होगा, स्वीकार करेंगे, अस्वीकार करेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं स्वीकार होगा, स्वीकार करेंगे। अब भी तो मैं उसको चाहता हूँ कि वो हमारे घर पे आए रहे। तो क्या लव मैरिज की थी क्या आपने? नहीं लव मैरिज नहीं थी, हमारे माता पिता ने किया था। यहाँ से कि जात है काम कर रही हूँ, कमाई जात है, चाउर साउर रखे रही घरे से बेचवाई के सहरा लग गई, बल्कि हमारा लड़का लग गए बड़कवा वहाँ सहरा बेचवाई से बेच के अपन पैसा कौड़ी लेके गई कि भाड़ा किराया लेके जाते कमाई। अब हम पत्ते जाना थे कमाई गई। नमस्कार, मैं हूँ आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज 24। आज हम प्रयागराज जनपद के कौंधियारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजूद हैं। यहाँ बता दें मामला कुछ ऐसा है कि एक 40-45 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनकी धर्म पत्नी इस अवस्था में उनको प्यार का भूत सवार होता है और वो अपने पति सहित अपने छोटे बच्चों को छोड़कर चली जाती है। इस बात को लेकर वो काफ़ी आहत है, काफ़ी पीड़ित हैं। क्यों नहीं समझते लोग, आए दिन इस तरह की तमाम खबरें हम चलाते रहते, दिखाते रहते। दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों में जागरूकता फैले, क्यों लोग ऐसा करते हैं, आपको किस चीज़ की कमी थी या क्या दिक्कत थी, वो आप अपने घर परिवार, अपने पति, अपने बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे जो आप लोगों को जो आप लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। लेकिन गलत कदम उठाकर कौन सा सराहनीय काम करती हैं महिलाएं, बता दें कि आज का जो मामला है वो काफ़ी हीनियस है। और ऐसे मामले देखने के बाद हकीकत में दिलों और दिमाग में सिर्फ ये बात आती है कि क्यों करते हैं लोग ऐसा, और अपना करियर ख़राब करने के बाद, अपना कैरेक्टर ख़राब करने के बाद आखिर क्या मिलता है महिलाओं को। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा बच्चा है और इस अबोध बच्चे को छोड़कर इसकी माँ चली गई, कब गई है, तो बहुत सारी बातें हैं वो अभी हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं। पहले तो हम इस बच्चे से ही जानते हैं, क्या नाम हुआ बेटा? जयकुश। जोर से बोलिए। जयकुश। जयकुश। क्या नाम है मम्मी का? सुनीता। सुनीता, तो आपको छोड़कर चली गई हैं, कब गई हैं, कितने दिन हो गए? लगभग 2 महीने। 2 महीने। याद आती है मम्मी की? क्या चाहते हैं आपकी मम्मी मिल जाए? हाँ। मम्मी से मिलना चाहते हैं? अगर ये वीडियो आपकी मम्मी देख रही हैं तो मम्मी से क्या बोलना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए। घर चलिए। तो अभी खाना पीना कहाँ खा रहे हैं बेटा? अपने मौसी के यहाँ। मौसी के यहाँ रह रहे हैं। पापा? घर घर ही रहते। क्या कसूर है इन बच्चों का आप देख सकते हैं, जब आपको इनकी परवरिश नहीं करनी थी तो क्यों बच्चे पैदा करते हैं, फिर पैदा करने के बाद उनको अनाथ की तरह जीने के लिए मजबूर करके छोड़ देते हैं। और आए दिन तमाम इस तरह की खबरें सामने आती रहती जिसमें हम आप लोगों को रूबरू करवाते रहते हैं, और ऐसी खबरें दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि समाज में जागरूकता फैले, क्यों महिलाएं ऐसा करती हैं, ऐसा करने पर अंकुश लगे, लोगों में अवधारणाएँ उत्पन्न हो कि क्यों ऐसा करें और ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलता है। बताइए ऐसे जो है छोटे छोटे बच्चों को अनाथ करके आप समाज में कुरीतियां जो है उत्पन्न करती हैं, तो वो पीड़ित हमारे साथ हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था और कब इनके साथ ये घटना होती है। क्या नाम हो भैया? रमेश कुमार पटेल। कहाँ से हैं? ढोणरी। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि इसको जो है सुमन ने बुलाई कि आओ तुमको हम 13,000 रुपये में नौकरी दिलवाती हूँ। यहाँ से जो है कि कौन? सुमन। सुमन कौन है? सुमन हमारी भैयाऊ लगती है, जो कि उससे कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन इससे ताल्लुकात था। हम नहीं जानते थे कि ये वहाँ पर जा रही है, हमारे चोरी चोरा यहाँ से भागी है, ठीक है, काम के वास्ते। अब फिर भी हमने किसी चीज़ की हमने कमी नहीं किया, तो फिर तुमको काम करने की ज़रूरत क्या थी बताइए हमको। वैसे करते क्या हैं आप? हम एक
तांत्रिक आदमी है, वैज्ञानिक आदमी है, जो चीज़ जहाँ जहाँ रहता है हम वो चीज़ को हम देख लेते हैं। डांसर भी थे क्या आप? नाक कान? डांसर नहीं है, इसका जो है कि मानता माना हुआ है। अभी उसी का है कि हमारी शादी हो जाने के बाद में हम दोनों पति पत्नी मिल करके जाएंगे, वहाँ पर निशान लेकर के इस मुंडन को करेंगे हम। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? ये शादी हुई थी सन 2012 में। सन 2012 में आपकी शादी हुई? हाँ। तो कितने सालों तक पत्नी आपके साथ रही? हमारे साथ में 12 से लेकर के 23 तक थी। 23 तक? हाँ, 23 के बीच में ही निकल गई। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। लड़के? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो फिर कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, अब शुरू से बताएं। कहानी यही स्टार्ट होती है कि भागने का चीज़ यही है कि ये नैनी गई, नैनी फिर वापस आई, तब इसके पास में फ़ोन आया कि आ जाओ, तुमको हम 13,000 की नौकरी हम दिलवाते हैं। किसने बुलाया? ये सुमन बुलाई। सुमन कौन है? सुमन हमारी पत्नी, ये भयाहू लगती है। आपके भाई की पत्नी? हाँ हाँ। ठीक, वो वहीं की है, नैनी की? वहीं की है, ये काशीराम कॉलोनी में रह रही है इस समय। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में वहाँ जाने के बाद में ये 10 दिन तक वहाँ घूमी, वो उसने धोखा दे दिया, यहाँ कोई काम नहीं है, तो पागलों की तरह घूमने लगी। तो हमने गया उसको पता लगाने के लिए, तो लोग बोले कि भैया यहाँ पर ये घूम रही थी, तो ये लोग क्या बोले कि जो है राजेश घर द्वार बेच करके भाग गया और हमको लोग को भगा दिया, हम घर से बेघर हो गए हैं। तो कहन भैया हमको कमरा चाहिए, तो क्या बोली कि भाई तुम्हारा पति कहाँ है? कहाँ है हमारा पति? हमारे साथ में है, बताओ, हम यहाँ बैठे हैं, तुम्हारा पति कहाँ है बताइए, हमको जवाब दीजिए। उसके बाद में मैं वहाँ से चले आया, हमको कोई सबूत नहीं मिला कि यहाँ पर थी। फिर उसके बाद में दूसरे दिन गया तो उनके लड़कों से पूछा, 10 तारीख को हमने गया था, तो पूछा कि तुम्हारी बड़की अम्मा आई थी? तो कहन हाँ दादा आई थी, ये 5-6 रोज हो गया लगभग, ये यहाँ से निकल गई घरे। इतनी सवाल वहाँ पर मिली है। और जब सुमन से पूछा तो सुमन बोलती है कि 3 रोज यहाँ थी, उसके बाद में हमने भगा दिया। कहाँ भगा दिए तुम? तो फिर आपने कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की? हाँ, कार्रवाई हमने कर ये कंधियारा से किया था, तो कंधियारा वाले बोले कि ये गुमशुदा वाली जो दो लड़के हो गए हैं तो गुमशुदा नहीं लिखी जा सकती। अच्छा, इसी कारण से अभी तक थाना भी कोई सुनाई नहीं किया हमारा, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर अगला कदम आपने क्या उठाया? फिर जब कार्रवाई नहीं हुई तो हमने इधर उधर भटकना चालू कर दिया, फिर अपने घर का सामान भी बेचना चालू कर दिया आपने, इसलिए कि जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक मैं बेचता रहूँगा, और जब तक वो आएगी नहीं तब तक मैं खाऊँगा नहीं। तो आज तक आपने खाना नहीं खाया? नहीं, जब से निकली है। जब सामान बेचने का क्या मतलब? सामान बेचेंगे तो वापस आ जाएंगी? सामान बेचने का मतलब ये है कि पैसा चाहिए लड़ने के लिए। अच्छा, और जो 2 बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? 2 बच्चे हैं, अगर ये हम जीवित रहेंगे तो इनको भी देखूँगा मैं, अगर मैं मर गया तो ये लोग भी यहाँ रहेंगे। अरे तो आप मर्द हैं, वही लड़ाई आप कमा कर भी लड़ सकते हैं? हाँ, तो मैं भी कमा भी रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा जो है कुछ पैसे भी थे, पैसे भी यहाँ से गायब हो गए हैं, बताइए कुछ गहना था वो भी गायब हो गए हैं। पत्नी से मुलाकात आपकी हुई, पता चला कि कहाँ है? अभी तक पता नहीं चली। एक दिन मैं अचानक मैं नैनी में जा रहा था, तो वो स्कूटी पर वो लड़का जो है बैठा कर जा रहा था, तो मैंने बुलाया हम कहा इधर आ जा, लड़के के साथ है। हाँ, तो बोला, तो वो हमारे को जब देखा तो मुड़ी दूसरी तरफ से कर लिया, तो वो हमारे को नहीं बोली, फिर ये इसका मैंने देखा कहाँ गई, सीधे उसी घर में गई है। तो अभी क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि ये जहाँ कहीं भी हो वो हमारे दरवाजे आ जाए, बस हो गया। अभी मान लीजिए, चलिए ठीक है, गलती तो उन्होंने की, अगर वो मान लीजिए आके दोबारा रहना चाहे तो रखेंगे? अगर वो आ गई तो हमारी पत्नी है, हम उसको स्वीकार करेंगे। अब भी तो मैं उसको चाहता हूँ कि वो हमारे घर पे आए रहे। तो क्या लव मैरिज की थी क्या आपने? नहीं, लव मैरिज नहीं थी, हमारे माता पिता ने किया था। तो जैसे जिस तरह की घटना आपके साथ हुई है, ऐसे में आम महिलाओं को जो देख रही हैं आपको, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ऐसा काम करना उचित है या फिर अनुचित? ऐसा काम करने से कलंकित होता है, गलत साबित हो जाता है,
धर्म ये है कि जो औरतें आए अपने घर पे रहें, पति का वचन का पालन करें और उनके आज्ञा बिना बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो औरतें गलत हैं वो पति का मान ना करते हुए वो बाहर घूमने के लिए निकल जाती हैं। तो पति को भी तो चाहिए कि पत्नी की जो है वचनों का पालन करें। हाँ, तो पति को भी वचन उचित है कि जो पत्नी बोलती है उसको भी करना चाहिए। आपने किया? हम तो साथ मेर दिए, साथ भी किए। जो हमें जो, तो नहीं लगता जिस तरह घटना हुई है आपने अगर किया होता तो वो कहे जाती। जो जो हमने जो जो इसने कहा उसकी हर तमन्ना हमने पूरा किया। कोई भी चीज चली गई उसकी, कोई भी चीज हमने नहीं छोड़ा कि आज ये चीज तो ना क्या हो। कभी आप लोगों में विवाद होता था क्या? विवाद अब इसी तरह से जब गलत होता था, ये गलत करती थी, मैं लाता था तो मैं इसको मैं डांटता था, अब मारता नहीं था। कभी मारपीट नहीं करते? नहीं, सिर्फ डांटते थे। डांटते थे। तो क्या पहले से इनकी चाल चलन ठीक नहीं थी? ये जो है जब ये शादी के आई हमारे पास में तभी हमको मालूम पड़ गया था। उसी पर से हमने इसको समझा दिया कि जो तुमने किया सो किया, लेकिन अब तुम अपने कदम को सुधार लो, अन्यथाएं तुम इसी तरह बार बार करती रहोगी तो कहीं फंस जाओगी तो तुमको निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसने आपको पहले से पता था कि इनकी चाल चलन ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। तो एक बार आपने माफ कर दिया था? एक नहीं, हमने चार चार पांच पांच बार हमने माफ किया है। न जाए ये जो है कि एक बार जो है एक मुस्लिम लेकर के गया और जो है कि गंभीर भी लेकर गया, उसको हमने छोड़ा कर लाया हूँ और माफ किया आपने? माफ किया। और उसके बाद में मुगैया में रही हमारी बुढ़िया माई रही, उसके रतबे जो है घर में घुसेर के रखी थी, हमने बुढ़िया की वचन नहीं माना। हम कहा सुन ले, तू शादी किया है मैं उसको छोड़ने वाला नहीं, तू अपना खेत बाड़ी बेच ले, देख लो वादे हकीकत में हमारा सब चीज़ बिक गया। लेकिन फिर भी मैंने इसको नहीं छोड़ा। यानी कि आपने कई बार उसको सुधरने का मौका दिया, उसके बावजूद वो सुधरी नहीं? ये सुधरी नहीं। तो आपको क्या लगता है अगर वो दोबारा आ जाती तो क्या सुधर जाएंगी? हाँ, एक बार और मैं इसको चांस दूंगा। अभी अच्छा, इतना करने के बावजूद मैं चांस दूंगा कि आए अपना घर पे रहे, अब सुधर जाए, क्योंकि अब गड़ा खा चुकी है, अब दूसरे के शिकन में फंस चुकी है, अब तो समझ जा। ये है कहने का मतलब? हाँ, हमारा कहने का मतलब यही है। और वैसे आप करते क्या? आप बताए, तांत्रिक हैं? हम एक तांत्रिक आदमी हैं। क्या क्या करते हैं तंत्र में? हमारा है टी अप एस में टचिंग, कोई बीमार है बंजिन आगल पागल भगा परान कोई कहाँ रहेगा उसको मैं खोज लेता हूँ। भगा परान भी? हाँ। तो वही घटना तो आपके साथ हुई, तो आपकी तंत्र विद्या काम नहीं करती? तो हमारी भी विद्या है। मैं बता रहा हूँ कि जिस जगह पर मैं बोल रहा हूँ जाइए आप, अगर नहीं पकड़ के लाएं तो हमारा तुम्हारा जूता मेरा सर हो जाएगा। तो वही तंत्र विद्या मारी है, उसका दिमाग थोड़ा घुमा दीजिए, चलिए आए पैदल। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो किसी में, हम ये जानना चाहते हैं हम अपने मंत्र से लाएंगे तो वो हमेशा के लिए चलबाज है, वो झूठ बोलती है, कभी सच्चाई की जंग हमारे साथ में नहीं लड़ी है। अगर मैं खींच भी लाऊंगा तो उसकी वचन सब लोग मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमारी वचन कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जब आपके तंत्र मंत्र में इतनी सिद्धि है तो उसका इस्तेमाल तो करना ही चाहिए भाई, विषम परिस्थितियों में लोग इस्तेमाल करते हैं, तभी आपके पास विषम घड़ी है तो ऐसे में इस्तेमाल करिए ना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं जानेगी, हमारे को गलत साबित करती है, जहाँ जहाँ पर जाती है बोलती है कि हमको खाना कपड़ा ओढ़ना लत्ता नहीं मिलता है, और यहाँ से जब जाती है तो हंसी खुशी से बनकर जाती है, और जब वहाँ जाती है तो हमारे को बदनाम करके जाती है कि हमारे साथ में ऐसा करता है, इसलिए हमने प्रशासन के साथ में मैं अब रहूँगा। चलिए ठीक है। तो ये आपने सुना, ये उस पीड़ित पति हैं जिनकी पत्नी जो है इनको छोड़ कर चली गई हमारे। तो आइए यहीं पर हमारे साथ कुछ माताएं लोग हैं जो कि इसी गांव की निवासी हैं, इनके आसपास पड़ोस की हैं या फिर इनके परिवार की होंगी, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या, और फिर जिस तरह से इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिलती है तो क्या ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं। क्या नाम हुआ? प्रिया देवी। इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से हैं सर। ये जो बगल में घर है? अच्छा, बगल में घर है। हाँ, इनकी पड़ोसी है। हाँ, तो जो घटना इनके साथ हुई है आपको पता है? पता तो है सर, गई थी यहाँ से कि जात है काम कर रही हूँ। हाँ। कमाई जात है, चाउर साउर रखे रही घरे से बेचवाई के सेहरा ले गये, बिल्कुल हमारा लड़का ले गए बड़कवा वहाँ से हरा बेचवाए, बेच के अपन पैसा कौड़ी लेके गए, इनकी भाड़ा किराया लेके जाते कमाई। अब हम पत्ता जाने थे कमाई गए है, हाँ कमाई गए हैं। एक बार हमारे मोबाइल पर फोन करें बात करें कि हम कहा थी यहाँ जगह इलाहाबाद में है दीदी काम करत है,
आओ होली पर आओ ओकर बाद तब से 6 तारीख के बतियान रहे ओकर बाद मोबाइल ही बंद हो गई ओकर बाद बात ही नहीं तो ये बात सही है कि छोड़ के चली गई बच्चों को। अब बच्चों के तो छोड़ के गई हैं सर, वो बड़ा वाला लड़का मौसी और रहा था छोड़ के रहा था वैसे बचपने से एक खेतना बड़ा कबा वो कल आए रही वो कल आए के गई है ओका कतौ बहन की यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह आप भी एक महिला हैं तो क्या लगता है जिस तरह से आए दिन इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिलती रही जिसमें पत्नियां जो है अपने पति को छोड़कर अपने बच्चों को छोड़कर जो है उनके इतना उनका दिल निर्दयी होता है कि छोड़कर जो चली जाती है, तो क्या लगता है कि ये अच्छा है उचित है? अच्छा अच्छा कहेगा अपन लड़का गदेला अपन पति अपन घर द्वार छोड़ के जाओ अच्छा बा अपने घर कर खा जो दुखा सुखा। इसमें इसमें अगर देखा जाए तो किसकी गलती पाई जाती है? पति की गलती तो वो नहीं के बात है, हो ही गया अब का करे। अच्छा, इनकी कोई गलती थी या कभी ऐसा कोई दिन आया हो कि ये कोई चीज ना उनको पूजा पाते ना ही खाए पिए के तो भाई व्यवस्था करत रहे अपने घरे सब कह हो थे सर की का कहा थी कभी कुछ चुकावा बिल्कुल बिल्कुल बराबर दुख सुख सब के आवत है लेकिन करत रहे व्यवस्था इसी बार नहीं कमात खियावत रहे खात रहे पता नहीं। तो ऐसी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी आप? वैसे महिलाओं के तब का बताई सर बहुत बेकार है हम पता डटते ही रही हमेशा कि ते कायदे से कर घरे पड़ी रहो अब दूठ तोरे लड़का गदेला हुई गए मगर अब अपने मन के करे तो का करे। एक माता जी हमारे साथ और इनसे बातचीत करते, क्या नाम हुआ? मेरा नाम आराधना सिंह है। आराधना जी, जी। क्या है पूरा मामला बताए जरा। मामला ये है सर की मतलब वो हमारे बगल की है वो हमारे बगल की हैं दीदी लगती हैं हमारी तो मतलब वो दोनों लोग आपस में अच्छे से रहते थे लेकिन पता नहीं कैसे बीच में क्या हुआ कि वो घर से मतलब निकल गई बोली कि काम करने जा रहे हैं फिर उसके बाद कुछ 2-3 दिन बाद पता चला कि वो कहीं मतलब इधर उधर भटक रही हैं कहीं मतलब गई क्या हुआ फिर उसके बाद और कुछ तो हम नहीं जानते उनके बारे में। तो क्या लगता है जिस तरह से निर्मोही महिलाएं इस तरह की अपने बच्चों को छोड़कर अपने पति को छोड़कर जो है इस तरह भाग जाती ऐसा ऐसा गंदा काम करती तो क्या उचित है? नहीं सर ऐसा तो उचित नहीं है क्योंकि मतलब अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहती अपना परिवार चलाती ठीक से रहती लेकिन अब उनको नहीं समझ में आ रहा है अपना घर नहीं अच्छा लग रहा है भाई दूसरे दूसरे अजनबी आदमी के साथ प्रसन्न है तो भाई अब हम क्या कह सकते हैं उसके आगे। जो महिलाएं आपको देख रही हैं इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह काम करती हैं? मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि सभी माताएं बहनें जो भी हैं अपना घर परिवार अच्छे से चलाएं अपना चरित्र अच्छे से मतलब चरित्रहीन ना हो और मतलब एक दूसरा उनको न कह के जा सके वो खुद ही कहने लायक वो काम करें हम यही कहेंगे। बहुत सुंदर आप सुन सकते हैं ये है जागरूक महिलाएं। ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं एक तरह की है ऐसे में आज भी कुछ सब संस्कारी परिवार की भी महिलाएं हैं। आपका क्या नाम हुआ? आशा देवी। क्या हुआ है माता जी ये मामला जो आज यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है? यहाँ पर तो अच्छे हैं चीज है भाई सब देख रहे हैं लड़का। अच्छा, इनमें कोई कमी थी? कहीं नहीं, ये उनकी हर मांग पूरी करते थे। हाँ भाई कमाता खाता है भाई अपने उसके बावजूद हाँ, वो चली गए चली गई। इसमें गलती किसकी देख रही हैं आप? भाई गलती तो वही का है महिला की। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इससे पहले भी 3-4 मौके मैं दे चुका हूँ अपने औरत को, क्या बात सही है? जी सही है, तब सही है हाँ जी भाई सही है, ये बात सही है जी सही है बात। इससे पहले 3-4 मौका इन्होंने दिया है? जी दिए हैं। वो जो भी घटनाएं हुई थी इससे पहले 3-4 बार वो गाँव में थी? जी गाँव का मामला। जी गाँव का मामला, वो चाचा लगते हैं गाँव के हैं उन्हीं के साथ कहीं गई थी तो भैया ने पकड़ा तो फिर पकड़ लाए घर पे तो फिर अच्छे से रखे लेकिन अगर ये तो रखे अगर इसी जगह दूसरा कोई होता उनको लात मार के बाहर निकाल देता क्योंकि अच्छा काम नहीं की थी लेकिन इन्होंने उनको माफ कर दिया तो ये नहीं हुआ कि अगर हम आपने गलती किया एक बार किया दो बार किया हमने माफ करते गए तो आप बार बार वही करने ये करना अच्छा नहीं है क्योंकि ये उचित नहीं समझा जाता ना। जी कुल मिला के ये काम गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए। जी ये काम गलत है क्योंकि एक महिला वो है एक महिला हम भी हैं गांव में बहन बेटियां हैं अगर हम गलत कर रहे हैं हमें देख के हमारी लड़के हैं वो भी वही सीखेंगे कि अगर हमारी मम्मी गलत जा रही है अच्छा काम करेंगे तो वो भी अच्छा करेंगे अगर हम गलत हैं तो हमारे बच्चे भी गलत
साथ रहेंगे जी। तो क्या लगता है कि इनको किसी भी तरह कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं हुई? महिला गई, सिर्फ उसकी जो है मोटाई थी या फिर उसकी लापरवाही? जी उनको कोई कमी नहीं थी, उनकी चाल चलन में थोड़ा कमी थी जी, पहले से ही उनकी चाल चलन नहीं ठीक थी, क्योंकि जब उनके आदमी पहले ही समझ गए तो उन्होंने माफ़ कर दिया, फिर भी उसको दबाते गए, उन्होंने नहीं माना, ज़्यादा आगे निकल गई तो फिर वो क्या करें। अगर मान लीजिए वो महिला आपको देख रही है तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज यही देना चाहेंगे हम कि मतलब अच्छा काम करें, अच्छे से रहें, और मतलब अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करें, ना कि वो भी गलत उसी के साथ हो जाएं, हम तो यही कहेंगे सर। चलिए ठीक है, बता दें कि ये लड़की के भाई हैं, जो महिला जो है छोड़कर अपने पति को चली गई है अपने दो बच्चों के साथ, उनके ये भाई हैं, तो इनसे जानते हैं कि दरअसल पहले से ही उनका जो कैरेक्टर था वो ठीक ठाक नहीं था, या फिर बाद में क्या कैसा मामला, जो भी है इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। तो भैया पहले तो आप अपना नाम बताएं। मंदर से। आप अपने बहन के यहाँ आए हैं? हाँ बहन। घटना तो आपने सुनी होगी? घटना कल सुना। कल सुने हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से आपकी बहन ने किया है उचित है या फिर अनुचित? सबके उचित है, उचित है कि अब गांवों की दिक्कत है, हमारों की दिक्कत है, ऐसी बात नहीं तो है। अच्छा अच्छा लगता है सर? अच्छा तो नहीं लगा साहब, अब उनका दिमाग का है जिस पर हो गया, अब क्या कर रही तो है। क्या आपकी बहनोई में कोई दिक्कत थी? नहीं दिक्कत कोई तो कमी मिली आज तक आपको? कमी नहीं, अब भाई दो पुरानी में झगड़ा झांसा थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, चाहे जे करे सब। तो फिर ऐसा करना चाहिए था? नहीं ऐसा तो नहीं करता इंसान ही है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इससे पहले भी इन्होंने 3-4 जो है गलतियां उनकी माफ़ करके उनको स्वीकारा है। गांव की बतावत है साहब, सुनत है हम। तो बताइए उचित है सर? नहीं साहब उचित नहीं। तभी क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए आपको? अब साहब क्या करना, जैसे हम अब बाल बच्चे में आओ यहाँ भी हो। तो अभी आप किसके पक्ष में हैं, आप अपने बहनोई के पक्ष में या फिर बहन के पक्ष में? अरे हाँ पक्ष में है, ये बंद हो इनके करे पक्ष। कहीं ना कहीं आपके भी मान प्रतिष्ठा में दाग लगता है जब ऐसा जो है करती है महिलाएं। क्या कमी थी आपको, कोई दिक्कत होती है? आपसे कभी उन्होंने बताया कि भैया हमें ये दिक्कत? नहीं साहब कभी नहीं बताया। नहीं बताए ना? नहीं यही बताए ना, वही बताए। बताइए जब ये कोई कमी नहीं करते थे तो बताए क्या? नहीं बताए ना, वही बताए। तो अभी क्या करने वाले हैं आप क्या चाहते हैं? अब साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं भी भुलान हो तो आओ अपने दरवाजे पर। तो मान लीजिए इनकी मदद करेंगे आप, जाएंगे उनको अपने बहन के पास बुलाने के लिए कि भाई चलो अपने परिवार में? चलिए ही काहे न, जाएंगे ना आप? बिल्कुल। तो जिस तरह से आपकी बहन ने काम किया है, वैसे में क्या लगता है कि आपको किस तरह की दिक्कतें जो है देखने को मिल रही है? दिक्कत तो आज बहुत है, बच्चों का है, गुरुओं का है, खेतों से है साहब। और आपके मान प्रतिष्ठा में भी सब है, दाग लगना है। तो ऐसा करना चाहिए था? नहीं साहब ऐसा थोड़ी होना चाहिए। चलिए मान लीजिए आपकी बहन आपको देख रही है तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? भाई यही करना चाहिए कि संतों के लिए अपने दरवाजे पर चलो, बाल बच्चा देखो, गोरु मालो। प्रशासनिक कार्यवाही में आप अपने बहनोई के साथ देंगे? अगर ये प्रशासनिक कार्यवाही करते हैं, अगर मान ली महिला नहीं आती है, क्योंकि इससे पहले भी महिला की 3-4 गलतियां जो है इन्होंने माफ़ की है, अगर मान ली फिर वो इनके सामने अकड़ दिखाए तो आप किसके पक्ष में रहेंगे? इन्हीं के पक्ष में रहूँगा, क्योंकि उन्होंने तो आपकी इज्जत को, आपकी मर्यादा को तार तार कर दिया है, है ना? कहीं ना कहीं गलत है। तो ये है पूरी कहानी, आपने सुना। बता दें कि इस तरह की तमाम घटनाएं जो है आए दिन देखने को मिलती रहती, जिसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर महिलाएं इस तरह की क्रूरता दिखाते हुए अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़कर अन्यत जगह पर जाती, जब उधर से ठोकर लगती है फिर दूसरी जगह जाती हैं, फिर उसके बाद कहीं की नहीं रह जाती। तो इस तरह से आज हमने आपको फिर एक सच्ची कहानी के साथ रूबरू करवाया, तो आपने देखा कि किस तरह से एक महिला ने काफ़ी निर्दयता दिखाते हुए अपने दो बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर एक दूसरे जगह पर चली जाती है। तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज 24। अपने सहयोगी सुशील कुमार यादव के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।